प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने स्टॉक खरीदने की सलाह क्यों दी? राहुल गांधी ने की जेपीसी जांच की मांग। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। 1 जून 2024 को लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी होने के बाद 3 जून को स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं 4 जून को नतीजे आने के बाद स्टॉक मार्केट धराशाही हो गया था। इसे लेकर राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए हैं। हाजिर हो राहुल गांधी की बढ़ सकते हैं मुश्किलें, इस केस में कल होगी कोर्ट में पेशी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार यानी 7 जून को बेंगलुरु की एक कोर्ट में पेश होंगे। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी एमएलसी केशव प्रसाद ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में बीजेपी को भ्रष्ट बताने वाले विज्ञापन को लेकर याचिका दायर की थी। 8 जून को नहीं होगा नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण एंड मौके पर बदली तारीख। एनडीए के सभी दल बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को अपना समर्थन पत्र सौंप चुके हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में बीजेपी की 2 बैठक हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की खींचतानी अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले शपथ ग्रहण की तारीख 8 जून को तय की गई थी। मोदी के तीसरे कार्यकाल से डरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी अधिकारी ने खुद बताया अपना सच। भारत में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी तक पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस चुनाव परिणाम को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ शहबाज सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज को बधाई दी थी। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान सरकार का आकलन है कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर आक्रामक हो सकती है। मध्य प्रदेश में करारी हार पर कांग्रेस का मंथन, कैसे हारे चुनाव प्रत्याशियों से लिखित में मांगी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस हार का कारण अब कांग्रेस दस्तावेजों पर ढूंढने वाली है, इसलिए मध्य प्रदेश के सभी 29 कांग्रेस प्रत्याशियों से लिखित में रिपोर्ट मांगी गई है। प्रत्याशियों के जरिए दी गई यह लिखित रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक पहुंचेगी। इसके बाद हाई कमान हार के कारणों का मंथन करेगी और आने वाले समय में चुनाव इस तरह के नुकसान से बचने के लिए जरूरी निर्देश देगी। नीतीश कुमार के लिए शरद पवार गुट ने की पीएम पद की वकालत, कहा एनडीए में क्या मिलेगा। शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के योग्य उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए में क्या मिलेगा पता नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की संकल्पना नीतीश कुमार की देन है। इसके साथ ही उन्होंने टीडीपी प्रमुख की तारीफ करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक अच्छे प्रशासक हैं। यूपी में बीएसपी की वजह बीजेपी को मिली 16 सीटों पर जीत, सपा और कांग्रेस बिगड़ा खेल। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन 16 सीटों पर उसे बीजेपी या उसके सहयोगी पार्टी के जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आ चुके हैं। यूपी की 80 सीटों में से एनडीए के खाते में 36 तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 43 सीट गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन 16 सीटों पर उसे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी के जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। एलजीपीआर मोदी कैबिनेट में 2-3 मंत्रालय की कर रही है मांग, चिराग पासवान का आया जवाब। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस की है, इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 5 में 5 सीट पर जीत मिली है। वहीं इस बीच कहा जा रहा था कि एनडीए सरकार में अपनी पार्टी के लिए चिराग पासवान 2-3 कैबिनेट पदों की मांग कर रही है। इस पर चिराग पासवान ने गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं ऐसी सभी बातों का खंडन करता हूं, कोई मांग नहीं है, कोई मांग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाना था। दिल्ली के इतने विधानसभा क्षेत्रों में आगे थे कन्हैया कुमार, फिर कहां भारी पड़ गई मनोज तिवारी। दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने भारी मतों से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मात देकर तीसरी बार पार्टी के वर्चस्व को कायम रखने में सफलता हासिल की। इन 7 में से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें बीजेपी ने लगातार तीसरी बार मौका दिया था और वे भी पार्टी के भरोसे पर 100% खरा उतरने में कामयाब रहे। राजगढ़ सीट कैसे हार गई कांग्रेस, दिग्विजय सिंह के हारने की अब सामने आई बड़ी वजह। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को राजगढ़ संसदीय सीट से हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों में से दिग्विजय सिंह को 2 पर जीत,
जबकि 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राघोगढ़ से चुनाव जीत गए हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को अपने भाई लक्ष्मण सिंह की चाचौड़ा विधानसभा से चुनाव हार गए हैं।